नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। लाल टमाटर धीरे धीरे लुढ़क रहा है, इधर प्याज फटने को तैयार है। टमाटर कुछ लुढ़का तो प्याज के दामों में एकदम से उछाल देखने को मिला है। देश में थोक प्याज कारोबारियों की तो फुटकर कारोबारियों की मनमानी से प्याज के दाम महंगे हुए हैं। थोक मंडी में अभी भी प्याज 18 से 22 रुपए किलो बिक रही है। खुले बाजार में प्याज के दाम 35 से 40 रुपए प्रति किलो वसूले जा रहे हैं। होटल रेस्टोरेंट और मेस से करीब 1-1.5 महीने से टमाटर गायब हो गया था। दाम घटने के साथ सलाद में टमाटर दिख रहा है, पिज्जा बर्गर सैंडविच में इस्तेमाल हो रहा है। कई इलाकों में सब्जी की छोटी दुकानों और ठेलों पर टमाटर कम मिल रही थी, इन पर भी अब दोस्तों टमाटर के कैरेट फिर पहुंच रहे हैं। इस वक्त राजस्थान के अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। करीब 2 माह से लाल हो रही टमाटर के भाव धीरे धीरे कम हो रहे हैं, अब प्याज आंसू बहाने को तैयार है। वहीं थोक मंडी में प्याज के भाव 18 से 20 रुपए प्रति किलो है, जबकि बाजार में प्याज के दाम 35 से 40 रुपए प्रति किलो वसूले जा रहे हैं। कीमतों में अंकुश नहीं लगा तो टमाटर की तरह प्याज भी ऊंचे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बीते जुलाई से अगस्त के पहले पखवाड़े तक टमाटर के भाव 100 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। गुजरे एक सप्ताह में इसके भाव 40 से 70 रुपए प्रति किलो तक हैं। वहीं जुलाई के दूसरे तीसरे सप्ताह में 25 किलो टमाटर का कैरेट 4500 से लेकर 4600 रुपए तक बिका है। अब प्रति कैरेट थोक भाव 700 से 900 रुपए पहुंच गया है, लेकिन अब प्याज रुलाने को तैयार है। अगर बात करें प्याज भाव की तो इस समय 31 अगस्त 2023 तक सरकार ने 40% टैक्स लगा दिया है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों व्यापारियों ने इस पर धरना भी दिया है, जहां टैक्स हटाने की बात कही है, लेकिन सरकार ने विचार विमर्श कहने की बात कहकर इस धरने को खत्म कर दिया है। और 4 दिन बाद फिर दोस्तों प्याज भाव की नीलामी हो रही है। बता दें कि इस समय दोस्तों प्याज नेपाल के अंदर 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है, क्योंकि भारत ने टैक्स लगा दिया है। जब से टैक्स लगाया है, अन्य देशों के अंदर प्याज के भाव में उछाल देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा उछाल नेपाल के अंदर देखी जा रही है, यहाँ प्याज का स्टॉक खत्म हो गया है। अगर बात करें राजस्थान के अलवर मंडी की तो यहाँ दोस्तों 22 से 25 रुपए प्रति किलो थोक भाव है, जबकि 35 से 40 रुपए प्रति किलो दोस्तों रिटेल में प्याज बिक रही है। और ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में प्याज अब की बार रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि अब की बार भयंकर बारिश हुई है। भयंकर बारिश के चलते महाराष्ट्र के कई इलाकों में प्याज दोस्तों पूरी तरीके से गल चुकी है, साथ ही स्टॉक में रखा प्याज भी सड़ रहा है और गल रहा है, जिसके चलते प्याज में भारी दोस्तों उछाल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वर्तमान में आपके शहर में प्याज क्या भाव बिक रहा है, कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।